ये रिया पिल्लई है, वह संजय दत्त की पत्नी थी। उसने 1998 में संजय दत्त से शादी की, लेकिन कुछ सालों बाद अलग हो गई। हालांकि उनका तलाक नहीं हुआ था। जब वह दत्त के साथ शादी की हुई थी, तब रिया ने 2003 में टेनिस स्टार लियांडर पेस को डेट करना शुरू कर दिया। फिर 2008 में रिया पिल्लई और संजय दत्त का आधिकारिक तलाक हो गया। लियांडर और रिया लिव इन रिलेशनशिप में थे। कई अफवाहें थी कि उन्होंने 2005 और 2008 के बीच शादी कर ली थी, जबकि उनकी शादी की पुष्टि करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। उनकी एक बेटी है जिसका नाम अयाना है। हालांकि बाद में 2014 में रिया ने लियांडर और उनके पिता के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। दो हजार सोलह में यह बताया गया कि उनकी बेटी आयाना को ब्रेन ट्यूमर है। रिया चाहती थी कि लियांडर बेटी के इलाज के खर्च के लिए 1,87,000 रुपए और खुद के लिए 75,000 रुपए यानी प्रति माह कुल 2,62,000 रुपए का भुगतान करें। फिर 2017 में यह बताया गया कि लियांडर पेस रिया द्वारा मांगे गए 2,62,000 रुपए के बदले 1,50,000 प्रति माह का भुगतान कर रहे थे। बेटी ठीक हो गई। हालांकि लियांडर और रिया दोनों ने अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखी और मामले में कई नए मोड़ आए। अब आखिरकार अदालत ने फरवरी 2022 में अपना फैसला सुनाया कि सबूत थे कि लियांडर और उसके पिता ने रिया के खिलाफ घरेलू हिंसा के कई कृत्य किए हैं। मैजिस्ट्रेट कोमल सिंह राजपूत ने कहा, यह साबित हो गया है कि लियांडर ने घरेलू हिंसा के विभिन्न कृत्य किए हैं। अदालत ने लियांडर को 50,000 रुपए का मासिक किराया और मासिक रख रखाव के लिए 1,00,000 रुपए देने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी कहा कि अगर रिया बैंड्रा में अपने साझा आवास में रहना पसंद करती है तो वह मौद्रिक राहत की हकदार नहीं होगी। यह मौद्रिक राहत केवल तभी दी जाएगी जब रिया अपनी साझा संपत्ति छोड़ने का विकल्प चुनती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लियांडर का टेनिस में कैरियर लगभग खत्म हो चुका है। इसलिए रिया को भरण पोषण का भुगतान करते हुए उसे खुद को किराए के घर में रहने का आदेश देना अनुचित होगा। ऐसी खबरें हैं कि लियांडर इस समय अभिनेत्री किम शर्मा को डेट कर रहे हैं और वे साथ में अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं।